ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास है इंटेक्स एक्वा S7, तो उसे हमें अपडेट करना है। तो किस तरह से करेंगे जरूर, तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि यही वर्जन आपका होना चाहिए, इंटेक्स S7। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, वर्जन मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोन जो है डैमेज हो सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर पर, क्या क्या डाउनलोड करना है। आपको ये तीन फोल्डर जो डेस्कटॉप पर नज़र आ रहा है उसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसे डाउनलोड कर दीजिए। देखिए, हमने वर्जन देखा था 07, तो वर्जन 07 है, एक ड्राइवर है और टूल्स है। तो तीनों तीन चीज़ आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइवर्स ओपन करेंगे। ड्राइवर में आपका 32 बाइट है, तो 32 बाइट इंस्टॉल कीजिए। 64 है आपका PC, तो 64 इंस्टॉल कीजिए। तो किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसे डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ना पता चले तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा होगा, हाउ टू इंस्टॉल ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए वैसे तो इजी ट्रिक है, इसे डबल क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ इधर, यस करके। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात होगी। तो ड्राइवर की बात आ गई, अब इस टूल्स, अब टूल्स ओपन कीजिए। टूल्स में आपको फ्लैश टूल्स ओपन करना है, फ्लैश टूल्स थोड़ा लोड लोड लेगा। उसके बाद आपको टूल्स ओपन करना है। टूल्स ओपन करने के बाद आपको फ्लैश टूल्स का आइकॉन दिखाई देगा, उसे ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये बंद कर देते हैं हम, यहाँ से स्कैटर लोडिंग इस पर क्लिक करनी है, उसे डेस्कटॉप पर ले जाइए जहाँ हमने फाइल रखा हुआ है इंटेक एक्वा S7 का वर्जन 7। ठीक है, इसे डबल क्लिक कीजिए और आपको यहाँ एक स्कैटर लोडिंग फाइल दिखाई देगा, MT6735। ठीक है, यहाँ से ओपन कर दीजिए इसे, तो आपकी फाइल जो है टूल्स अपने आप लोड करेगा। ठीक है, चलती प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आप अपडेट इसे क्यों करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ ये प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मवेयर अपग्रेड करना है। ध्यान रहे, फर्मवेयर अपग्रेड करना है, फर्मवेयर ऑल मत कीजिएगा, फर्मवेयर अपग्रेड। ठीक है, उसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दीजिए और मोबाइल को USB से कनेक्ट कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। देखिए, यहाँ कनेक्ट हो चुका है फ़ोन और ये फ्लैशिंग शुरू हो चुका है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या प्रॉब्लम होगा तो आप इसे अपडेट करना चाहोगे। फर्स्ट प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको, मोबाइल में अगर अनफॉर्चुनेटली एरर बार बार आती है डिस्प्ले पर, अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन स्टॉपेड, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है कि कभी कभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है अपने मोबाइल में, जैसे ही नेट ऑन करते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो है सारी डाउनलोड होने लगती है। उसे अनइंस्टॉल करें फिर भी वो अनइंस्टॉल हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होता है। कभी कभी वाईफाई और डेटा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ जो है वो फ्लैशिंग से ही सॉल्व हो गए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लैशिंग से सॉल्व होती है। अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, वरना अगर आपको ऐसे ही लगता है कि अपडेट करना है तो सेटिंग्स में जाइए, अबाउट में, जहाँ वहाँ अपडेट का ऑप्शन रहता है उसी से आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमने थोड़ा स्किप कर दिया था, बहुत सारी ऐसी एरर होगी तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ़ोन कंप्लीट चालू है फिर भी आपको अपडेट करना है, तो सेटिंग्स में अबाउट में जाइए, वहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन रहता है, वाईफाई या 3G 4G शुरू करके उसे अपडेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम मैंने बताया, अगर ये प्रॉब्लम है तो वो इससे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके, ये ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आपको डाउनलोड करनी होगी, बड़ी फाइल है थोड़ी, 1 GB की फर्मवेयर होगी, तो उसे आप इजीली डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। और एक ख़ास चीज़ वर्जन की भी, जो मैंने आगे बताया कि वर्जन 7 है, तो वर्जन 7 की फर्मवेयर आपको इंस्टॉल करनी होगी। अगर आपको किसी और वर्जन की फर्मवेयर है वो आपके मोबाइल में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ मैं आपको सजेशन दे दूँगा कि आपको कौन सी लिंक चढ़ानी है, तो वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। और एक ख़ास बात, अगर आपके पास इंटेक एक्वा S7 है, उसके अलावा कोई भी मॉडल है आपके पास और आपको आपके फ्रेंड के पास, तो फ्लैश करना है, अपडेट करना है, फॉर्मेट करना है, हार्ड रिसेट करना है, या लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पिन लॉक हो,
कुछ भी सजेशन चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल की लिंक होगी, वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे मॉडल ऐड है, बस आपको एक क्लिक करनी है तो आपका मॉडल जो है वो अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगा। और एक ख़ास चीज़ दोस्तों, ये सब अप्लाई करने से पहले आप अपना जो बैकअप है तो बैकअप को ले लीजिए, कॉन्टेक्ट फ़ोटोज़ जो भी डाटा है वगैरह। नहीं तो जो फर्मवेयर अपग्रेड होने के लिए आपको फर्स्ट स्टेज में ही फ़ोन जो है फॉर्मेट हो जाता है, उसकी वजह से आपका सारा डाटा है जो डिलीट हो जाता है। तो प्लीज़ बैकअप हो सके तो पहले ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ 99% हो गया, 100% हो जाएगा अभी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मोबाइल आप फ्लैश हो चुका है, आप डिसकनेक्ट करके इसे आप अप्लाई कर सकते, कम से कम 5-10 मिनट के बाद ही आपका मोबाइल जो है ऑन होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आगे आगे ऐसे शॉर्टकट वीडियो जो आपके पैसे बचा सकता है वो मैं ऐसे अपलोड करता रहता हूँ। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।